Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. Well, what's up? Welcome back to my channel, my new video. So guys, अभी मैं वर्कआउट कर रहा था एंड मेरे सडनली दिमाग में एक चैलेंज आया या पता नहीं कुछ एक सडनली आइडिया आया कि अभी मेरे को जिम स्टार्ट करना है बट मेरी फैमिली रीजन के चक्कर में मैं जिम स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. सो मैं क्यों ना अभी एक मतलब मैं थोड़ा लेज़ी भी हो गया हूँ, पहले था बट उससे थोड़ा और ज़्यादा लेज़ी हो गया हूँ. थोड़ा और बोलते ना एक्टिव नहीं हूँ अभी, जैसे यूट्यूब पर भी एक्टिव नहीं हूँ और रेगुलर लाइफ में भी एक्टिव नहीं हूँ. तो मैं क्यों ना सोच रहा हूँ जैसे बॉडी डाउन हो गई है अभी लॉकडाउन के चलते, तो उसको होम वर्कआउट के कन्वर्ट करके कितना मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ और मैं कितना उसको डेवलप कर सकता हूँ अपनी बॉडी को, अपने जिम में मतलब जिम क्या घर में जितने भी मेरी चीज़ है उससे लेके. सो मैं क्यों ना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ या उसको रेगुलर बेसिस में अपने ब्लॉग कर लूँ. मतलब मैं रोज़ वर्कआउट करूँगा, कैसे वर्कआउट करूँगा, क्या खा रहा हूँ, मतलब क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, एवरीथिंग. खाने पीने का तो मुझे पता नहीं बट आई थिंक मैं खाने पीने में सुधार दूँगा. मतलब वही खाने में मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड फ्रूट एंड मिल्क एंड ऑल ये सब जो होता है वही. और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ले रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा. मैं प्रोटीन भी लूँगा, नॉनवेज मैं खाता नहीं. एंड वर्कआउट जो करूँगा वो वीडियो बनाऊँगा मैं. एंड मैं जिम पता नहीं कब तक नहीं जाने वाला बट जब तक नहीं जाने वाला तब तक ये चैलेंज चलेगा मेरा. एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गया हूँ, मतलब आलसी मेरे अंदर भरा हुआ फूट फूट के. सो उसके चलते मेरे को पता नहीं मैं रेगुलर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय 100% इन दिस. एंड तो अंदर से फीलिंग आ रही दीक्षित नहीं होगा, दीक्षित नहीं होगा, दीक्षित कुछ होगा, गड़बड़ हो जाएगी. बट अब ले ही लिया तो थोड़ा सा एकदम लगता है फन है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है क्योंकि हिचकिचाहट इसमें नहीं क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वर्कआउट करता हूँ. बट अब इसमें ऐसा है कि मैं रेगुलर वर्कआउट करूँगा, रेगुलर खाने पीने में देखना पड़ेगा, सोना उठना बैठना मेरे को पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, माइंड फोकस रखना पड़ेगा एंड एवरीथिंग आई हैव टू डू सब मेरे को ध्यान में रख के करना पड़ेगा. एंड राइट नाउ अभी मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे वो बताऊँ तो ज़ीरो है. यस एकदम ज़ीरो है, ठीक है. और पेट तो मैं जानबूझ के बाहर निकाला था, क्यों निकाला था वो तो मैं बाद में बता था. एंड मैं पेट की एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ही करूँगा, ये मेरा थोड़े टाइम का पहले का पेट है और अभी कुछ ऐसा हो गया है. सो अभी क्यों हो गया इसके एक छोटी सी बात है वो मैं बाद में बताऊँगा. बट रिसेंटली अभी ये मेरा शोल्डर कुछ ऐसे है, बाइसेप एंड ये कुछ ट्राइसेप अभी. सो अभी इतना है मेरा. अब मैं इसके ऊपर कितना डेवलप कर पाऊँगा आई डोंट हैव एनी आइडिया. मैं कैसे वर्कआउट करूँगा वो तो वीडियो बनाऊँगा मैं रेगुलर. एंड मैं एक अप्रॉक्स टारगेट बोल दूँ तो कुछ 60 days का ले लेता हूँ. 60 days प्लस हो सकता है, 60 days माइनस भी हो सकता है, उसका कितना प्रोग्रेस होगा मेरे को नहीं पता. बट एवरीथिंग भी मैं सब एकदम वीडियो बनाते रहूँगा, डालता रहूँगा, जो करूँगा वही बताता रहूँगा मैं. सो बस आज के लिए इतना ही था, इतने मेरे को बात बोलनी थी एंड आई डोंट थिंक तो मैं कल से स्टार्ट करूँगा अब मैं. सो स्टार्ट करने से मंडे टू संडे, संडे छुट्टी, सैटरडे तक का मैं शेड्यूल बता देता हूँ कैसा होगा. शेड्यूल भी लाइक शोल्डर मंडे, शोल्डर ट्यूसडे, बाइसेप वेनसडे, ट्राइसेप देन चेस्ट देन बैक देन एब्स एंड लेग्स, ठीक है. तो ये मेरा शेड्यूल होगा एंड सेट भी मेरे कुछ 6-7 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. एंड रेपिटेशन विल बी 30 या 20, इसके नीचे मैं होने नहीं देने वाला, ठीक है. सो ये मेरा सोच के रखा है. खाना पीना मैंने बता दिया, वर्कआउट क्या क्या होगा, वर्कआउट में मेरे पास क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ. स्टूल जो होती है वो है एंड रॉड है, डंबल है 12.5 के दो डंबल है एंड ये 7.5 का वो डंबल है, ठीक है. एक छोटी स्टूल एंड कुछ और चीज़ होगी वो मैं इंक्लूड कर दूँ अपने घर में से ही बना के और उसमें से ही मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा.
मैं पता नहीं मन में थोड़ी फीलिंग आ रही है मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट आई विल माई ट्राई माई बेस्ट। एंड बस कल से स्टार्ट करेंगे, कल मिलते टाइम ये शाम के कुछ टाइम में स्टार्ट करूँगा मैं, लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। एंड सुबह उठते ही मैं देखता हूँ कुछ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर सीधा 6 बजे स्टार्ट करूँगा मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप मैं ये कर सकूँ। एंड आप भी सपोर्ट करना अगर आपको अच्छा लगे, एंड गिव मी ऑल द बेस्ट इफ़ यू लाइक, और ड्रॉप अ लाइक, और प्लीज़ लाइक नहीं ये कुछ भी नहीं तो ड्रॉप अ कमेंट कर देना, इतना मेरे लिए बहुत होगा। सो आई विल मीट टुमारो, और कल से मैं जोगीलो आपसे मिलने वाला हूँ। सो बस बाय बाय, टेक केयर।